क्या हाल चाल भाई लोग। तो क्या तुमको पता है स्पायवर्स में अब तक जितने भी खतरनाक विलन हुए हैं, आधे जून सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिम से भी ज्यादा खतरनाक। कैसे? ये तो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। और मेरे हर ट्रेलर से कुछ ऐसी डिटेल्स लगी हैं जो टाइगर 3 का पूरा प्लॉट रिवील करने का दम रखती है। और इसी डिटेल से मुझे आतिश ने जो टाइगर को बर्बाद करने का प्लान बनाया है उसके बारे में पता चला है। सब कुछ मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि आज की हमारी वीडियो टाइगर 3 के विलन आतिश पर ही फोकस करने वाली है। लेकिन क्योंकि टाइगर 3 के बाद वॉर 2 आने वाली है, तो पहले हम ये जानेंगे कि क्या NTR का आतिश से कोई कनेक्शन हो सकता है। अब वैसे तो मैंने इस वीडियो में वॉर 2 का टाइगर 3 से जो भी कनेक्शन हो सकता है उस पर डिटेल में बात कर ली है। लेकिन एक भाई ने जो है उनकी एक थ्योरी कमेंट में बताई थी, जिसके हिसाब से टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में आतिश जो है वो NTR को इंडिया भेजेगा, जिसके बाद NTR कबीर से भिड़ेंगे। और मैंने देखा कि इंटरनेट पर भी ऐसी काफी थ्योरी चल रही है जिसके मुताबिक आतिश और NTR का कनेक्शन बताया जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो भाई की थ्योरी तो काफी अच्छी है, पर अफसोस कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अब देखो यार, अगर हम स्पायवर्स के बाहर आकर NTR और इमरान हाशमी का स्टारडम देखे, तो NTR जिस लेवल पर अभी है वो कभी भी ऐसे रोल के लिए हाँ ही नहीं कहेंगे जो इमरान हाशमी के नीचे काम करता हो। और RRR के बात तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो इस बात से भी काफी हैरान था कि वॉर 2 में विलन के रोल के लिए उन्होंने हाँ कैसे कहा। पर फिर मुझे याद आया कि स्पायवर्स में थानोस चाचा की कुर्सी भी तो अभी खाली है, तो हो सकता है कि NTR ही स्पायवर्स का मेन विलन हो। और दूसरा रीजन ये भी है कि तुम आतिश को ठीक से समझे नहीं। वैसे इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अभी तक तुमने स्पायवर्स में बस ऐसे ही विलन देखे है जिनका मकसद सिर्फ इंडिया को बर्बाद करना था, जिसके लिए इन सभी के पास अपने अपने अलग रीजन थे। लेकिन आतिश इन चीजों से बहुत आगे निकल चुका है। वो सिर्फ टाइगर को सजा देना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी करेगा। और यही वजह है कि वो टाइगर के हाथों से बच भी गया तो वो किसी को इंडिया नहीं भेजेगा, क्योंकि तब तक वो जोकर की तरह बन जाएगा जिसका ना टाइगर के सिवा कोई चाहत है और ना ही कोई और मकसद। और इसलिए मैं वीडियो के शुरुआत में ही तुमसे कह रहा था कि आतिश स्पायवर्स का सबसे खतरनाक विलन होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जोकर का बस एक ही मकसद था बैटमैन को बर्बाद करना, उसी तरह आतिश बस टाइगर को बर्बाद करना चाहता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी खो सकता है। वैसे उसके पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं, और यही चीज उसे सबसे खतरनाक बनाती है। सोचो, एक आदमी ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे जीने की वजह भी, लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है उस आदमी से उसका सब कुछ छीनने का, तो तुम किस हद तक जाओगे? जाहिर सी बात है कि तुम बिना किसी चीज की परवाह किए उस आदमी से अपना बदला लोगे। सेम यही अब आतिश करने वाला है। जैसा कि उसने ट्रेलर में कहा है कि वो टाइगर से उसका देश और फैमिली दोनों छीनेगा, वो भी अपने दिमाग से, तो सवाल आता है कि उसका प्लान क्या है। और मैंने ट्रेलर में कुछ ऐसी डिटेल नोटिस की है जो शायद हमें आतिश के प्लान के बारे में हिंट देती है। ओके, तो हमने ट्रेलर में टाइगर को अलग अलग देशों में देखा, जैसे ऑस्ट्रिया, टर्की और रशिया में। और अगर ध्यान से देखोगे तो हर देश में वो एक मिशन पर है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि हर देश में टाइगर एक खास तरह के म्यूजियम के पास है, जो कि सेम उसी टाइम पर चर्च भी है। जैसे कि यहाँ इस सीन में टाइगर गेटअप बदल के एक मिशन पर है, और ठीक उसके पीछे सेवियर ऑन द स्पिलेड ब्लड नाम का म्यूजियम है। वही भी इस सीन में रशिया का ही एक और म्यूजियम और ओकेजनल चर्च सेंट आइजैक कैथेड्रल है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये दोनों म्यूजियम रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में है। और अगला प्लेस वो है जहां हमने ट्रेलर में टाइगर को सबसे ज्यादा देखा है, टर्की के इस्तांबुल का गलाडा टावर। और हैरानी की बात पता है क्या है? ये भी एक म्यूजियम है। वैसे इस सीन में हम टाइगर को गलाडा टावर पर कूदते हुए भी देख सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, इन सभी प्लेसेस की अपनी एक हिस्टोरिकल जर्नी रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी प्लेसेस का म्यूजियम होना और टाइगर का वहाँ मिशन पर जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो मेरी थ्योरी यहाँ ये है कि ये सब आतिश का प्लान है। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। अब हम सब जानते हैं कि आतिश दिमाग से खेलने वाला विलन होने वाला है, तो मेरी थ्योरी के मुताबिक पहले आतिश टाइगर की फैमिली को टारगेट करेगा। किडनैप करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमने ट्रेलर में जोया को कई सीन में लड़ते हुए देखा है, और वो टावेल वाला सीन तुम कैसे ही भूल पाओगे। पर यहाँ पर टाइगर के बेटे को कुछ तो हुआ है, तो हो सकता है कि टाइगर के बेटे पर आतिश ने बायो वेपन का इस्तेमाल किया हो, और एंटीट्यूड के बदले में टाइगर से इन म्यूजियम से कुछ ऐसी चीजें चुराने को बोल दिया हो जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सभी म्यूजियम की एक हिस्टोरिकल जर्नी रही है, तो हो सकता है कि यहाँ कोई पुराना वायरस या फिर उससे भी खतरनाक चीज रखी हो। जब टाइगर उसे चुराएगा तो आतिश एक तीर से तीन निशाने लगाएगा। पहला तो उसे चुराते ही टाइगर को दुनिया भर में गद्दार घोषित किया जाएगा, जो कि हमने टीजर में देखा भी। दूसरा, टाइगर के बेटे को मार के वो अपना बदला लेगा। हाँ, क्योंकि टाइगर चाहे सारी दुनिया की दौलत ही क्यों ना आतिश के कदमों में डाल दे, आतिश टाइगर की फैमिली को नहीं बख्शेगा। और तीसरा, हो सकता है इन चीजों को चुराना इतना मुश्किल हो कि टाइगर के अलावा इसे कोई चुरा ही ना सकता हो। और हम सब जानते हैं कि टाइगर ऐसे ही मिशन करता है, यानी कि आतिश एक ही तीर से तीन निशाने लगाएगा। एक तो अपना बदला पूरा करेगा, दूसरा टाइगर को गद्दार
ईमानदार साबित करेगा और तीसरा एक ऐसी चीज चुराएगा जिसे टाइगर के अलावा कोई और चुरा ही नहीं सकता। और सैडली फिर टाइगर को अपनी ही चुराई हुई चीज से दुनिया को बचाना पड़ेगा। हालांकि ये बस मेरी एक थ्योरी है जो हालात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैंने तुम्हारे सामने रखी, तो ये गलत भी हो सकती है। लेकिन बेटा अगर ये सच हुई तो आतिश टाइगर को खून के आंसू रुलाएगा, पूरी बाजी आतिश के हाथ में होगी और टाइगर एक मामूली प्यादे की तरह कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं जानता हूँ कि तुम सभी यही देखना चाहते हो और पर्सनली मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि टाइगर पर आतिश भारी पड़े। यार कभी तो सलमान भाई को नीचे दिखाया करो। यार तुम्हें मेरी ये थ्योरी कैसी लगी? और अगर तुम्हारे पास कोई बेटर थ्योरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में हमने रामायण की स्टार कास्ट को लेकर भी एक कमाल की वीडियो बनाई है, उसे एक बार जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।